पहाड़ों पर गर्मी का टॉर्चर चल रहा है। टॉर्चर आने वाले दिनों में इसी तरह से जारी रहेगा। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी से पहाड़ इस बार पसीना पसीना होने लगे हैं। हिमाचल में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही है। इन दिनों तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। इससे पहाड़ अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पसीना पसीना हुए। शिमला में अप्रैल के पहले हफ्ते में चटक धूप का दिन भर लोगों को सामना करना पड़ा। राजधानी शिमला के अलावा कुछ शहरों में तो पारा 30 डिग्री के पार है। सबसे ज्यादा जिला ऊना तप रहा है। यहां पर अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस है। इससे भी चिंता की बात ये कि आगामी 10 अप्रैल तक बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुमान जताया है कि कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिला के कुछ एक इलाकों में लू चलेगी। विभाग ने ये अलर्ट 8 अप्रैल तक के लिए जारी किया है। इसमें खासकर दिन के वक्त लोगों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है। अप्रैल की इस चिलचिलाती गर्मी से पेयजल और सिंचाई स्रोतों पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। सर्दियों में अच्छी बर्फबारी के बावजूद भी छोटे नाले सूखने लगे हैं। इससे किसानों को अभी से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। और तो और शिमला शहर में भी इसी वजह से पानी का संकट गहराना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।